इस समय देखिए हम लोग राजा काइट सेंटर पे खड़े हुए हैं और हम भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा पतंगों की अनबॉक्सिंग की जाएगी। हर कार्टन में लगभग 5-5 हज़ार पतंगे पैक हैं और ऐसे बहुत सारे कार्टन हैं। तो जुड़े रहिए वीएम लखनऊ काइट से, सब कुछ आपको वीएम लखनऊ काइट में देखने को मिलेगा। ये पुरानी शॉप थी राजा काइट सेंटर की और इधर नया शॉप की ओपनिंग कर चुके हैं हम भाई, और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बहुत दिनों के बाद। लेकिन ज़्यादा गैप नहीं हो रहा है इस बार, बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि आप लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो फुल वीडियो मिलने वाली है जिसमें आपको मेरे यहाँ से 1 रुपए 20 पैसे से लेकर और जो सबसे एंड होता होगा वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी, सारी पतंग डोर सब कुछ मिलेगा उसके अंदर आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी एम लखनऊ काइट्स। और दोस्तों मैं हूं राजेश। अभी हम भाई ने जैसा आपको बताया है A to Z सामान का मतलब ये होता है जो सबसे कम पैसे के सामान से शुरू होकर जो आखिरी सामान तक होगा वो सब दिखाया जाएगा, ऐसी वीडियो आने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा वी एम लखनऊ काइट से, तो आपको राजा काइट सेंटर की फुल वीडियो मिलने वाली है जिसमें कोई भी सामान हमें लगता नहीं बचेगा। नहीं, कुछ नहीं बचेगा, उसमें सब चीजें दिखाएंगे, भले चाहे वो पन्नी की पतंग हो या चाहे वो जो है कोई सी किसी भी चीज। तो अब आप लोग राजा काइट सेंटर की जो मिस करते हैं चीज के, शायद कोई चीज नहीं दिखाई गई किसी वीडियो में, ऐसा नहीं होगा उसमें। लेकिन अभी मैं पिछले कई सारे ब्लॉग से आप लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए ब्लॉग ला रहा हूँ और फिर एक बार खिलाड़ियों के लिए जबरदस्त आर्टिकल आए हुए हैं। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी चीज ये जितने भी माझे हम 2150 की रेंज में लाए हैं ये सब मेरी समझ ली, एक तरह से मेरे प्रेजेंट में सब बनाए जा रहे हैं। हर वक्त जो भी कोई प्रॉब्लम होती है हमसे या पापा से, मेनली पापा से बात होती है, क्योंकि जी जी बिल्कुल बात एक ही है वो तो ये जो है, और जो भी उसमें थोड़ा डाला जाता है उस पर भी आपको नजर रहती है कि क्या क्या सामान पड़ा। बिल्कुल सब नजर रहती है। और इस टाइम हम आपसे सबसे, कोई भी माझा ले या कोई भी उड़ाए, सबसे ये कहेंगे कि आप लोग कोई भी नया मांझा लिए या कोई पुराना मांझा भी यूज करी तो 1-2 दिन इसको धूप दिखा लिए, उसको थोड़ा सा मतलब रख दिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कहीं से भी लिए लेकिन कोशिश करिए कि मौसम ऐसा है, 1-2 दिन धूप दिखाने के बाद उसका मजा और ही होगा। 2150 रुपए से अभी शुरू करने वाला हूँ, टोटल खिलाड़ियों का आर्टिकल है। ये शॉप ही आपने पूरी खिलाड़ियों के लिए कर रखी है यहाँ पे, पूरी इधर का जितना पोर्शन है जी वो मेनली खिलाड़ियों के लिए और जो उड़ाते हैं, जो अच्छा शौक करते हैं उनके लिए। और साथ ही में मैं आपको उधर दिखा रहा हूँ जो काफी समय से काफी लोगों के पसंद है राजा काइट सेंटर, वो वहाँ पे वैसे ही है अपना होलसेल का और रिटेल का दोनों का काम। तो हम भाई एक चीज और बताइए, मांझे मैं दिखाता रहूंगा, सुना है पतंगों का बहुत बड़ा स्टॉक आया है आपके पास, कितनी कितने ये आप देखिए, कितने बड़े बड़े गत्तों में पतंग आई है, 24,000 और इससे भी ज्यादा शायद, कई सारे बार आई है 24,000, किसी गत्ते में 27,000, किसी में 35, ये देखिए 3,500 का गत्ता यहीं ओपन किया हुआ रखा हुआ है। अलग अलग मिनिमम 5-5 हज़ार के गत्ते होते हैं जी, और से माल डिवाइड होता एक है। एक बार में जो मैं बता रहा हूँ मतलब कहने का, एक बार में 24,000 पतंग आई है और तो बहुत बड़ा स्टॉक है पतंगों का। जुड़े रहेंगे तो सब कुछ देखने को मिलेगा जी। हम भाई कौन सा आर्टिकल है ये देखिए, आग का गोला, आग का गोला बहुत ही शानदार और अनबीटेबल डोर जिसको बोलेंगे, बहुत ही बेहतरीन डोर। इस मौसम में आप इसका काटा उसका ढर्रा देख लीजिए और कोई भी आग बंद कर लीजिए। आज हम बताएंगे, एक कस्टमर आया था, वीडियो देखकर ही आया था, वो कह रहा था भाई आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेने एक आएंगे लेकिन लेके धो ही जाएंगे। तो बहुत बढ़िया है, तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि भाई आप ले जो भी यहाँ पे कहा है, प्लीज चैनल पे आके जरूर देखिए। मैं उसको छू रहा हूँ, इतना तेज कांटा लगाया है और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मेरी फेवरेट डोर बनती जा रही है, क्योंकि पहले मैं आपकी एक डोर लड़ाता था नासिर तूफान जी, लेकिन अब मुझे शायद अगर कहेंगे तो मैं यही डोर लूंगा, बहुत अच्छा डर रहा है डोर में। और प्राइसिंग 2150 रुपए 2150 में, लेकिन अलग अलग ढर्रे मिलेंगे। आप लोग खिलाड़ी हैं तो आप लोग आके देखिएगा और डोर का कलर देखिए अंदर का, तो ये सब जो है बढ़िया मेकिंग की पहचान है। चलिए आग के गोले के बाद दूसरा आर्टिकल हम लोग देखिए, जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था बहुत ही जल्दी मेरे पास खत्म हो गया था, अशरफ बेग का टॉप स्टार, बहुत ही शानदार डोर है। मतलब इसके बाद ये कौन सा है आर्टिकल, अशरफ बेग का टॉप स्टार। हम भाई एक चीज मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ ये चीज
कि आपके आर्टिकल बहुत अच्छे हैं, जैसे इसमें बहुत ऊपर से ही अगर छुएंगे तो लगेगा कि इसको आप कस के गड़ाएंगे नहीं, बहुत अच्छा कांटा लगाया है, लेकिन इतने सारे कई सारे नाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है? बेसिकली होता ही है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी जब एक चीज को एक बार यूज करता है, दो बार करता है, तीसरी बार में वो जरूर चेंज करेगा। तो ये इतनी सारी वैरायटी इसीलिए है ताकि आदमी ने एक बार ये लड़ाया, ये महीन डोर है, दूसरा कोई कारीगर लेगा तो उसमें हल्का अलग ढर्रा मिलेगा, ढर्रे भी चेंज हो रहे हैं ब्लॉक के साथ साथ, उसकी क्वालिटी खाली नाम नहीं चेंज हो रहा, खाली नाम नहीं चेंज हो रहा है। ये चीज के हम सब पे कहेंगे कि आपको इसका ढर्रा छूने के बाद एक अलग फील आएगा, अलग टेस्ट है, हर चरखे का नाम के हिसाब से एक अलग टेस्ट मिलेगा। ओके, ताकि आदमी खुद अपने हिसाब से कर ले। तो आप लोग जान रहे हैं कि खाली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बांस की चाल लिख दिया है, इस पे कुछ और नाम लिख दिया है, इस पे कुछ और लिख दिया है, हर डोर का ढर्रा फर्क होगा, और इसीलिए शायद इतने सारे नाम है ताकि खिलाड़ी अपने जैसा लड़ाना पसंद करते हैं। और कोई भी होगा ना, एक दो बार के बाद वो चाहेगा कि कुछ चेंज मिले, बिल्कुल बोर हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये तो चलिए अच्छी बात है, और यहाँ भी हमको वैसा ही बढ़िया काम देखने को मिल रहा है जी। चरखी भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन चरखी लगी है, अच्छे थिकनेस के साथ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, जितनी भी चरखियां आ रही हैं, प्राइस आपसे 2150 लिया जा रहा है, लेकिन सब में फैंसी चरखियां मिल रही हैं टोटल। ये देखिए जी, बहुत अच्छा है, देखिए सही बिल्कुल कह रहे हैं आपके, हर डोर में अलग ढर्रा देखने को मिल रहा है। 10-15 दिन रख दी जाएगी तो और भी अच्छी लगेगी। और सबसे अच्छा है जैसे मसाला कोट है, जैसे काम अच्छा किया जाता है, तो वो चीज दिखाई दे रही है डोर में ये, लेकिन ये सब मजा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब आप यहाँ शॉप पे होंगे तो ये छूने में आपको पता चलेगा कैसा बढ़िया काम है। क्या नाम था इसका? अशरफ बेग का टॉप स्टार। प्राइसिंग नहीं बदलेगी इसलिए मैं बार बार बताऊंगा नहीं, हमें लगता है सब 2150 आर्टिकल होंगे। और मेकर जो हैं आप देख रहे हैं कि डोर में कलर का काम जो हो रहा है वो इस मौसम के लिए बिल्कुल अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, सुरमई कलर, काला कलर, बहुत डार्क ब्राउन कलर, कोशिश करिए लाइट कलर से बचिए। मैदान नंबर 1 ये समझ लिए, हम आपको वो डोरे दिखा रहे हैं जिसका रिव्यू मेरे पास मौजूद है और जो अच्छी लड़ रही है जी, जो लोग आके हमको बता रहे हैं कि भाई आप और मंगाइए डोर बहुत अच्छी लड़ रही है। आप लोग लवर होंगे तो एक बार जरूर आइएगा राजा का सेंटर पे, विजिट करिएगा, होलसेल नहीं, ये सब शौकीनों वाले आर्टिकल आ रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए आ रहे हैं, मैदानी डोरे आ रही हैं। और देखिए इसका डर्रा बिल्कुल अलग आपको मिलेगा, ये महीन पे तेजदार होगा, तो थोड़ा इसमें उन्होंने ज्यादा बारीक किया गया है डोर को, और बढ़िया धार रखी गई है, यहाँ थोड़ी कोटेड डोर लग रही थी, यहाँ लेकिन काम और महीन किया गया है, बहुत अच्छा। सब डोरे तीनों ढर्रे बिल्कुल अलग है, अब ये ढर्रा जैसे हमको लॉन्ग रेंज जाना होगा तो हम बहुत जरूर पसंद करेंगे इसी डोर को लेना। हम भाई ये भी वही है ना प्राइस, 2150 रुपए। और कलर देखिए, यहाँ भी काला नहीं है लेकिन काफी बढ़िया कलर लगाया गया है, कांच भी बढ़िया चमक रहा है। हमें लगता है कि आप कोई भी डोर पसंद करेंगे, कोई ऐसी डोर दिखाएंगे ही नहीं हम भाई जो आपको इन सारी डोरों में निराश करे कोई, लेकिन ये हमारे कहने की बात है, हम भाई के कहने की बात है, आप लोग ट्राई करिए और कमेंट में आके बताइए जी। क्या नाम है? हुसैन टॉप 1999। वाह बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्या बात है, जैसी मौसम चल रहा है बिल्कुल मौसम के अकॉर्डिंग तेज काटा, तेज बढ़िया काम रखा है डोर में, बढ़िया धार, बढ़िया काटा, बरसात के मौसम में एक डोर को जैसा बनाना चाहिए, बिल्कुल 1999 हुसैन टॉप। 4 डोरे दिखाई हैं, चारों के ढर्रे अलग अलग हैं, और मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा आप किस तरीके से लड़ाना पसंद करते हैं, तो उस तरीके से अगर हम भाई से बात करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि आप इसमें से कौन सी डोर पसंद करिए। उसके बाद देखिए आएगा बांस की चाल, बांस की चाल, अभी इसमें से जो फंसा के लड़ाते हैं वैसा भी ढर्रा कोई निकलेगा मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल कुछ ढर्रे ऐसे हैं जो दोनों बल लड़ेंगे आराम से, लेकिन यहाँ एक चीज की अच्छाई है कि आपने अलग अलग जब ढर्रे बना दिए तो लेने में चॉइस करने में बहुत आसान है, खींच के लड़ाना हो। अभी मैं कहूंगा कि ये जो डोर आपने दिखाई है बिल्कुल लाजवाब ढर्रा है, बहुत ही तेज कांटे की डोर दिखाई है, बिल्कुल अब ये देखिए ये वैसी डोर आ गई जैसे कोटेड डोर होती है, बढ़िया काम किया गया है डोर में। डोरे कोई भी आपकी हमें देख रहे हैं कि हमें लग नहीं रहा कि इसमें कुछ कहना चाहिए, अगर आप छुएंगे तो यहाँ मजा आने वाला है, अच्छी डोर है,
बास की चाल, प्राइसिंग वही है, प्राइसिंग वही रहेगी सेम 2150 रुपए। लेकिन यहाँ आपको जो चरखी हमको देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लगी हुई है, इसकी चरखी देखें जरा, इसकी भी चरखी देखिए बहुत ही खूबसूरत लगी हुई है, तो चरखी के साथ भी प्राइसिंग बहुत अच्छी है डोर की, 2000 के अंदर ही आपको डोर पड़ रही है, तो इससे बेस्ट प्राइस में जो क्वालिटी आ रही है। और भी इसमें मेरे पास अभी जो आने आ रहे हैं, देखिए कम आपको डोर मेनली सब आपको ऐसे ही सेम शेर का पंजा जी, ठीक है। अब ज्यादा नहीं खोलेंगे, ये सब लोग खिलाड़ी जान गए हैं, यहाँ पे सब अलग अलग ढर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को टेस्ट करना। एक डोर और थी जो हमने थोड़ा सा याज मंसूरी के नाम गोल मुंह पे थी जी, शायद वही नाम आप बता रहे हैं, शायद यही थी डोर बिल्कुल हमको फैयाज मंसूरी। हमें लग रहा है अभी नाम हमें याद आ जाएगा, ढर्रा हम देखेंगे तो बता देंगे। चलिए ये ढर्रा बिल्कुल, चलिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी ढर्रा वैसा ही है, देखिए स्मूथ रखा गया है, हल्का कांटा लगाया गया है, और रेंज में जैसे अगर आप हम जो चाह रहे थे वही डोर खोलिए बिल्कुल आपने, अगर आप फंसाएंगे तो मज़ा आने वाला है, लेकिन कोशिश करिएगा जैसा हम भाई ने कहा है, एक दो दिन मौका लगे तो धूप लगा दिए डोरों को, तो ये डोर अपना डबल रिस्पॉन्स देंगी। और सबसे अच्छी बात हम आपको बताएं, चाहे आप देखिए, हम ये नहीं कह रहे आप ये 2150 वाले लिए, ये आपकी च्वाइस है, हम आपको अच्छे से अच्छा कम रेट में दे रहे हैं, कम से कम मिनिमम जो लड़ाने वाले हैं, एक तो कुछ होते हैं जो अच्छे लड़ाने वाले थे उनको मालूम है, उनके पास ऑलरेडी 4-5 चरखे होते हैं, वो अपने हिसाब से मैनेज, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं या जो वो एक चरखा ना यूज़ करें, कम से कम अपने पास 2 वैरायटी रखें, ताकि क्योंकि मेनली जो रीज़न होता है डोर का, हवा मौसम इन सब पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आप लोग डोर का भी थोड़ा 1-2 चॉइस अपने पास रखें ताकि लड़े। आप लोग खिलाड़ी हैं, आपको बताना, अगर मैं बताऊंगा तो नहीं सही होगा, लेकिन जो हम भाई कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखा करिए, कभी कभी क्या होता है कि मौसम हवा इन सब पे अलग अलग ढर्रा अलग अलग डोर डिपेंड करती है, एक डोर हर मौसम में लड़े ऐसा संभव नहीं है, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी 2150 का कोई भी आर्टिकल लेंगे ये आपको निराश नहीं करने वाला है।